नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमन प्रणाम सभी को। वेलकम टू आर चैनल। आज अपने बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम के बारे में, परमाणु के बारे में हम बात करेंगे। तो परमाणु के बारे में बात करने से पहले, ये परमाणु कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है? तो ये केमिस्ट्री का एक मेन पॉइंट है, मेन पार्ट है, जो है एटम यानी कि परमाणु। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान उस विज्ञान को कहा जाता है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक या अन्य केमिकल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। उस विषय को, उस सब्जेक्ट को रसायन विज्ञान कहा जाता है। और रसायन विज्ञान में जो केमिस्ट्री वर्ड है वो कीमिया वर्ड से लिया गया है। तो अपने बात करते हैं परमाणु पे। परमाणु क्या होता है? तो पहले परमाणु, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोला जाता है। परमाणु, परमाणु यानी कि एटम। एटम क्या होता है? तो सबसे पहले अपने ये जानने की कोशिश करेंगे परमाणु सबसे पहले इसकी बात कहाँ हुई थी। तो आज से लगभग 400 ईसा पूर्व भारत और यूनानी दार्शनिकों ने परमाणु जो शब्द है उसको प्रस्तुत किया, या परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया। उनके अकॉर्डिंग परमाणु क्या है? तो उनके अकॉर्डिंग परमाणु क्या है? उनके अनुसार परमाणु, उनके अनुसार परमाणु किसी द्रव्य पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है, इकाई है। अगर यानी इनके अकॉर्डिंग क्या है? उनके अनुसार परमाणु किसी द्रव्य पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है। अगर किसी द्रव्य पदार्थ को विभाजित करने पर अंततः, लास्ट में जो अंततः परमाणु मिलता है, परमाणु मिलता है, यानी परमाणु क्या है? सबसे किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। तो ये परमाणु शब्द का इस्तेमाल आज से लगभग काफी साल पहले इस्तेमाल हो चुका था। उसके बाद में कुछ थ्योरी आई, कुछ मॉडल्स आए, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो परमाणु यानी एटम शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? एटम शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज एटोमिया, एटोमियो से लिया गया है। एटम शब्द एटोमियो से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है न काटने वाला, काटने वाला, ना कटने, सॉरी, न कटने वाला, या फिर अविभाज्य। इसका मतलब क्या है? एटम जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एटोमियो। इसका मतलब क्या है? न कटने वाला या अविभाज्य यानी नॉन डिविजनल, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। किसी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। यानी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। जिस प्रकार आप बायो में सबसे छोटी इकाई किसको लेके चलते हैं? सेल को लेके चलते हैं। उसी प्रकार जो केमिस्ट्री का मेन पॉइंट है जो है रहता है वो क्या रहता है? परमाणु। तो नेक्स्ट अपनी एक थ्योरी की बात करेंगे, डाल्टन की थ्योरी की बात करेंगे। तो डाल्टन
सन 1880 में डोल्टन ने, यानी सन 1808 में डोल्टन ने एक सिद्धांत दिया, एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी, जिसे डोल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। यानी परमाणु के बारे में पहली थ्योरी जो दी थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो ये डोल्टन के द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी? 1808 में। डोल्टन जो कि एक इंग्लिश के अध्यापक थे, उन्होंने एटम के बारे में कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक बातें लिखी, जो डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। इन्होंने परमाणु को क्या बोला? अविभाज्य कण। परमाणु को क्या बोला? अविभाज्य कण, नॉन डिविजनल पार्टिकल, यानी कि वो कण जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसे बोला अविभाज्य कण माना गया है। तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यानी परमाणु क्या है? परमाणु किसी पदार्थ का अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यानी कि परमाणु किसी पदार्थ का अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रियाओं में या अभिक्रियाओं में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यानी परमाणु किसी पदार्थ का अविभाज्य कण है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एलिमेंट के सभी जो प्रॉपर्टीज है वो भी प्रेजेंट रहती है। तो पहला पॉइंट तो है ये, नेक्स्ट जो देखेंगे वो है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में के दौरान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना नष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये माना इन्होंने, डाल्टन ने पहला पॉइंट क्या रखा कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है जो समस्त प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो आप खुद से परमाणु बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा
किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। आगे इन्होंने बोला है, जो अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे थोड़ा सा उदाहरण लेके बात करते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन है और यहाँ मैंने लिथियम ली, तो हाइड्रोजन का परमाणु और लिथियम का परमाणु दोनों अलग रहेंगे, दोनों का आकार अलग रहेगा। इसी प्रकार इन्होंने बोला है, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। और आगे इन्होंने बोला है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के क्या बनाया? HCl। हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु, इन्होंने आपस में जुड़कर क्या बनाया? एक यौगिक बनाया, एक कंपाउंड बनाया। इस तरीके से दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपने कुछ क्या दिए, पॉइंट्स दिए। अब इनमें भी कुछ गुण और कुछ दोष आएंगे, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं।